हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 13 करने वाले हैं। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की जी सीरीज है दोस्तों, इसके तहत हमारा पार्ट 13 ये चल रहा है। इसके दो तो इसमें देखिए, हम 50 क्वेश्चन तो करते ही हैं, इसके अलावा डेली एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, जैसे 5 शॉर्टकट की, 5 फुल फॉर्म है ना, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। इसके पहले मैं एंटीवायरस वगैरह करा चुका हूँ, ठीक है, इनपुट आउटपुट वाइस ये भी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर मिल जाएगा, और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, द एग्जाम हेल्पर पर, ठीक है। NVS की सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, अभी ये कुछ दिनों से 2-4 दिन से बंद कर दिए थे, क्योंकि आपका जो है कंटेंट मुझ पर थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो टाइप वगैरह नहीं हो पा रहा था। बट आज से मैं आपका जो है रिस्टार्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, फिर से। और जल्दी आपको मैं लगभग 3 से 4 दिन के अंदर, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको मैं पूरे आपके पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, जिसके तहत आपका MS Office वगैरह पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, जो आपकी मेरी जितनी भी वीडियो होती है NVS की रिगार्डिंग, वो आपको NVS की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पर लगभग 80 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है, आप जाइए इसको फॉलो कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो रहेगी, ये हमारा हम डाल चुके हैं सुबह, जो कट ऑफ वाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, जिसमें हमने एक एक्सपेक्टेड या सेफ कट ऑफ बताया है, जो आपकी 8 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, उसके लिए कि अगर आप इतने जो है इतने मार्क्स, अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो जाइए देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा, या आपको जो है जो चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसके अलावा देखिए, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट GK का क्वेश्चन पार्ट 4 आ जाएगा, जिसमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे चौथे पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, और इसके अलावा 500 GK के अलग से मैं एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, TCS के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका NVS है ये भी TCS ही कंडक्ट करा रही है। एग्जाम स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे 2 से 3 दिन पहले, कि किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन, एग्जाम एनालिसिस, रिमेनिंग कंप्यूटर पार्ट भी जल्दी मिलेंगे आपको, और अगर कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम पर, जो ग्राम है आप उस पर हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारी PDF वगैरह मिलती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ये हमारा आइडिया हो जाएगा। चलिए देखिए, कंप्यूटर के लिए अगर आप मेरे 12 पार्ट नहीं देखते हैं, या 13 पार्ट, मतलब 20 पार्ट मैं कराऊंगा, तो अगर आप ये नहीं देखना चाहते, तो टॉप 300 कंप्यूटर का GK के पार्ट मैंने 2 डाले हैं, एक रामबाण है और एक है आपका ब्रह्मास्त्र। अगर ये दोनों नहीं देखे हैं तो जाइए, काफ़ी ज़्यादा आपके द्वारा पसंद किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक ही वीडियो में 300-300 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बट दोस्तों, जो ये मेरे 12 पार्ट अभी तक मैं करा चुका हूँ, इसमें थोड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दी हैं, फोटो के माध्यम से भी बताया, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। आप इसको देख के फिर उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इतना ही था, और ये टोटल मेरे GK के पार्ट 3 हो गए हैं, चौथा पार्ट आ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम इसके बाद हम 500 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। सभी वीडियो NVS की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी आपको थोड़े बहुत लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने शॉर्टकट की देख लेते हैं, जो कि हमारे 65 नंबर तक होने वाले हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको ये रिवाइज़ करा चुका हूँ काफ़ी बार, फिर भी हमने 2-4 दिन का गैप हो गया, तो मैं चलिए शुरू से आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी एक फास्ट रिवीजन में करा देता हूँ। और इसके अलावा मैंने ये करेक्शन आपको करा दिया था, पहले ही आपने पढ़ लिया होगा कि सीव रेम जो है ये भारत में दिखने वाला पहला कंप्यूटर वायरस था, और हैप्पी बर्थडे जो उसी भारत में खोजा जाने वाला सर्वप्रथम वायरस था। पेगासस एक मालवेयर है, क्या है, मालवेयर है, जो कि इजराइल के द्वारा आया गया था। चलिए, पहला हमारा जो शॉर्टकट ये है, दैट इज़ Ctrl+S। Ctrl+S से जो है सेव होता है, Ctrl+O से जो है आपका ओपन होता है, F12 से आपका जो है सेव एज होता है, ठीक है। आज के जो पार्ट है हमारा पार्ट 13, इसमें मैं आपको जितनी भी फंक्शन की है सभी के जो है बात बताने वाला हूँ, कि क्या क्या जो है उनके कार्य रहते हैं सभी। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, पूरा देखिएगा, ठीक है। Ctrl+P से प्रिंट होता है, ठीक है। इसके अलावा F7 जो होता है, इससे होता है स्पेल चेक। Ctrl+N से न्यू फाइल ओपन होती है। Ctrl+F2 से जो है आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। Ctrl+X से जो है आपका कट होता है, और कट होके कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में, कॉपी या कट होके क्लिप बोर्ड में जाता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। अगला है Ctrl+V से क्या होता है, तो पेस्ट होता है। Ctrl+Z से क्या होता है, तो अंडू होता है। Ctrl+Y से रीडू होता है। Ctrl+K, ये तो लास्ट ईयर पूछा ही गया था, इससे होता है आपका हाइपरलिंक। F1 हेल्प या ऑफिस असिस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है। Ctrl+Shift+S अगर आप दबाते हैं तो आपका स्टाइल बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F दबाते हैं तो आपका फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर P दबाते हैं तो फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शायद एक लास्ट ईयर पूछा गया था, वो ये फॉन्ट साइज वाला था, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ S दबाएंगे तो स्टाइल, F दबाएंगे तो फॉन्ट, P दबाएंगे तो फॉन्ट साइज। चलिए अगला है,
कंट्रोल प्लस वी सी क्या होता है तो बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई सी क्या होता है तो इटैलिक होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है तो इससे होता है आपका अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है तो लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है तो इससे राइट अलाइन होता है। दोस्तों इसके बारे में मैं पहले ही डिटेल बता चुका हूँ, आपको चित्र समझा समझा के वो वीडियो देख लेंगे तो आप जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्विक रिविजन करा रहा हूँ, हम समझेंगे इसको 60 से 65 तक, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ई से जो है आपका सेंटर अलाइन होता है, कंट्रोल प्लस जे से आपका जो है जस्टिफाई होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से जो है आपका क्लोज हो जाता है, या अल्ट प्लस F4 अगर आप दबाते हैं तो भी आपका जो है क्लोज होता है, वो कंट्रोल प्लस F4 अगर आप दबाते हैं तब भी आपका क्लोज होता है, कंट्रोल प्लस F से जो है आपका फाइंड होता है, F10 से जो है आपका मेन्यू बार ओपन होता है, ठीक है। अगला है कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस F6 से आपका नेक्स्ट विंडो बाय स्विच होता है, ठीक है। नेक्स्ट विंडो अगर आपकी 2-3 विंडो ओपन है तो वहाँ पर स्विच कर लेंगे। शिफ्ट प्लस F4 से जो है आपका रिपीट फाइंड बॉक्स ओपन होता है, शिफ्ट प्लस F4 से। अगला है कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस एच से आपका फाइंड रिप्लेस होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी अगर दबाते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर ओपन होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे तो आप प्रीवियस पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस पेज पर पहुंच जाएंगे इस वाले पर, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज यानी कि इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगला है कंट्रोल के साथ अगर आप होम दबाएंगे, होम तो आप रीच स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, वहीं कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे तो आप रीच एंड यानी कि कंट्रोल आप डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे। विंडोज़ प्लस ई सी क्या होता है तो कंप्यूटर सेक्शन में आप चले जाते हैं विंडोज़ प्लस ई सी, विंडोज़ प्लस आर सी क्या होता है तो इससे रन विंडो ओपन होती है, विंडोज़ प्लस डी सी क्या होता है तो मिनिमाइज या मैक्सीमाइज होता है, या क्विकली रिटर्न टू डेस्कटॉप ये आपका होता है विंडोज़ प्लस डी से, ठीक है। अगर आपकी 10-12 फाइल खुली हुई है और आपको डेस्कटॉप पर वापस आना है तो आप विंडोज़ प्लस डी दबा दीजिए, आप क्विकली आ जाएंगे। चलिए अगला है विंडोज़ प्लस एप से क्या होता है तो विंडोज़ प्लस एप से जो है आपका सर्च बॉक्स ओपन होता है कंप्यूटर में। चलिए अगला है विंडोज़ प्लस एल से क्या होता है तो इससे होता है आपका लॉक, अल्ट प्लस टैब से क्या होता है तो मिनिमाइज्ड जो एप्लीकेशन है आपकी उसके बीच स्विच करना जो है ये होता है अल्ट प्लस टैब से, जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट साथ में खुले हैं, अल्ट प्लस टैब अगर दबाएंगे तो एक एक से वो आप दूसरे पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, बिना माउस की सहायता के। अगला है कंट्रोल प्लस ESC से क्या होता है तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है, जो स्टार्ट मेन्यू है वो आपका ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस ESC से। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस क्यू से आपका MS वर्ड में जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है, एक होता है कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन और दूसरा होता है कंट्रोल प्लस क्यू से। चलिए अगला है शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है तो अगर MS एक्सेल में आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस F3 से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर प्लस दबाएंगे तो उससे सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस के साथ अगर ओनली प्लस दबाएंगे तो आपका जो है सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अगला है अल्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो आपका इक्वेशन जो बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा अल्ट प्लस इक्वल टू से, वहीं अल्ट कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो आपका फुटनोट ओपन हो जाता है अल्ट कंट्रोल प्लस एफ से, शिफ्ट प्लस F7 से आपका थिसोरस ओपन हो जाता है। चलिए अगला है अल्ट प्लस F8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे जो है आपका मैक्रोस ओपन होता है अल्ट प्लस F8 से। अगला है अल्ट कंट्रोल प्लस S से क्या होता है तो आपका स्प्लिट अ विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू, जो आपकी विंडो है वो बीच में से, जैसे ये विंडो है ये बीच में से आधी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होता है अल्ट कंट्रोल S। अगला है कंट्रोल प्लस 9 से क्या होता है तो एक्सेल में जो वर्तमान पंक्ति है वो हाइड हो जाती है, यानी छुप जाती है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट से क्या होता है तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए मेन्यू ओपन हो जाता है ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट से। अगला है शिफ्ट प्लस F11 से क्या होता है तो शिफ्ट प्लस F11 से आपका न्यू वर्कशीट ऐड होती है एक्सेल में, अगर आपको एक्सेल में न्यू वर्कशीट ऐड करना है तो आप शिफ्ट प्लस F11 दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है तो सेलेक्ट ऑल होता है, शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है तो सेलेक्ट होल लाइन लैपटॉप कर्सर, ठीक है, कर्सर के लेफ्ट वाली लाइन जो है शिफ्ट प्लस होम से सेलेक्ट हो जाती है। अगर हम वहीं बात करें शिफ्ट प्लस एंड से क्या होता है तो सेलेक्ट होल लाइन राइट ऑफ कर्सर, ठीक है, इस साइड की। चलिए अगला है कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है तो कंट्रोल प्लस डिलीट से आपका डिलीट हो जाता है वर्ड कौन सा आफ्टर कर्सर का, कर्सर के बाद वाला वर्ड डिलीट होगा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से जो है डिलीट वर्ड हो जाएगा बिफोर कर्सर वाला, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है तो ओपन अ न्यू टैब इन ब्राउज़र, मान के चलिए आप गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं और आपको एक न्यू विंडो ओपन करनी है तो आप जो है
कंट्रोल प्लस टी दबा सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एल से आपका जो है जंप टू द एड्रेस बार, जो आपका एड्रेस बार होता है, जो आपका ब्राउज़र होता है उसमें एड्रेस बार जो होता है जिसमें आप टाइप करते हैं कुछ भी साइट www, उस पर आप पहुंच जाएंगे कंट्रोल प्लस एल दबाने से, किसमें ब्राउज़र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन भी होता है, वो होता है एमएस वर्ड में, ठीक है, दो तरीके का होता है ये। चलिए अगला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, एक तो होता है आपका कंट्रोल प्लस पी से और एक होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला है जो पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट किए हैं यहाँ पर, तो वो देख लीजिए आप। तो कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस क्यू से जो है आपका किसी प्रेजेंटेशन को शेव एंड क्लोज करना, ये होता है आपका कंट्रोल प्लस क्यू से, किसमें, ये पावर पॉइंट में होता है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर ये एमएस वर्ड में होता तो इससे लेफ्ट अलाइन आपका हो जाता। चलिए अगला है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या फिर कंट्रोल प्लस F4 से क्या होता है, तो एक प्रेजेंटेशन को बंद करना एमएस वर्ड में भी, ठीक है, तो कोई प्रेजेंटेशन है उसको बंद कर देना, इसके अलावा एमएस वर्ड में भी ये उपयोगी होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस F4। चलिए अगला है अल्ट प्लस F2 या F12 से क्या होता है, तो अल्ट प्लस F2 अगर आप पावर पॉइंट में दबाते हैं या F12 दबाते हैं तो सेव एज बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है, F12 से तो होता ही है, अगर आप अल्ट के साथ F2 दबाएंगे F2 दबाएंगे पावर पॉइंट में तो भी सेव एज बॉक्स ओपन होगा। चलिए अब हम दोस्तों फुल फॉर्म कर लेते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, हमने काफ़ी दिनों से रिवीजन नहीं किया था इसलिए हम रिवीजन कर लें। और दोस्तों मैं मुझे लगता है कि आपने सभी के लोगों ने जो है मॉक टेस्ट परचेस कर लिए होंगे और आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम में आपका क्या स्कोर रहने वाला है। आपको अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे ले सकते। तो देखिए दोस्तों ये है आपके टेस्ट बुक के टेस्ट मॉक टेस्ट जिसमें 480 से ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं, 480 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस 9,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं। इसमें जो है लाइफ टाइम ईयरली और मंथली के तीनों के पास है, अगर आपको जो चाहिए वो ले लिए। अगर आप हमारा कूपन कोड ये वाला डालते हैं तो आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, या हमारी लिंक से जाएंगे तो भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कूपन कोड दोनों मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। NVS की इतनी सारी पोस्ट के लिए इसमें जो है आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आपका MTS के भी इसमें आ चुके हैं। चलिए इतने सारे दो है SSC बैंक रेलवे सभी एग्जाम इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए ये रहा हमारा कूपन कोड, अगर आप इसे डालेंगे तो 399 वाला है ये आपको देखिए 349 में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए चलिए हम अपना फुल फॉर्म देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ADC, ADC का होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्विक रिविजन करा रहा हूँ, हम लोग जो अच्छे से देखेंगे वो देखेंगे 60 से। AI का क्या होता है, तो जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन, BARC का भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BASIC का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। काफ़ी बार मैं दोस्तों आपको रिपीट करा चुका हूँ, लगभग 12 में से 10 बार तो आपको रिपीट कराई दी है मैंने, ठीक है। चलिए अगला है BSNL का भारत संचार निगम लिमिटेड, CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अगला है CD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो लास्ट बार पता नहीं कितनी बार पूछा गया था, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD रोम का क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD RW का क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल भी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगर आपसे पूछ ले CDR का क्या होता है, तो CDR का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल। चलिए अगला है COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो COBOL का जो होता है ये होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, DRAM का डायनेमिक रैम, DAC का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DCL का डिजिटल कमांड लैंग्वेज, वहीं DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम, DNS का, ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ DNS से पहले, ठीक है, आपने नहीं देखा पूरा बता दिया कि DNS क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। चलिए इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए अगला है DPI से क्या होता है, इससे प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है हम वो मापते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। चलिए अगला है 26 नंबर का DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DBD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, EPROM का
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एब्सिडिक का तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। चलिए अगला है ईडीपी का तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, एडसेक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। और ये एक पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था। अगला है ईईपी रोम का, तो यहाँ पर देखा था हमने ईपी रोम का, यहाँ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला है एनईएक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनईएक का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, फॉर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये वैज्ञानिक भाषा है, कौन सी वैज्ञानिक। चलिए अगला है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है दोस्तों हमारा वो है एचटीएमएल तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीडीपी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है एनटीएफएस का। चलिए अगला है डीडीएल का डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल का डाटा कंट्रोल या कमांड लैंग्वेज, अगला है टीसीएल का ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। चलिए अगला है जेपीजी का जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है जेपीजी का, पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यूडीपी का यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए अगला है जेपीईजी का क्या होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है आपका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होता है जिप का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए अगला है हमारा एवीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव जो है आपका एवीआई का फुल फॉर्म होता है, एमकेवीए का मतरोष्का मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट, मतरोष्का मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट। अगला है एमपीईजी का तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला है 55 नंबर का पीएसटीएन का तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क जो होता है आपका पीएसटीएन का होता है, आईएसटीएन का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एसक्यूएल का स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, और एससीएसआई पोर्ट का क्या होता है तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। चलिए अगला है टीएफटी का, टीएफटी का जो होता है दोस्तों आपका वो होता है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला है वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई का, यूएलएसआई का होता है आपका ये पांचवी पीढ़ी में यूज होता है फिफ्थ जनरेशन में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, बीएसएनएल का विदेश संचार निगम लिमिटेड, वीमैक्स का तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। चलिए अगला है लास्ट है WLL का क्या होता है, तो WLL का आपका होता है वायरलेस लोकल लूप। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका सर्च इंजन, सर्च इंजन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है सर्च इंजन सब देखते हैं। तो सर्च इंजन की बात करें, सर्च इंजन जो है आपका एक वेब बेस्ड टूल होता है अथवा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में क्या करता है, मदद करता है। कुछ सर्च इंजन निम्न है, जैसे कि आपका गूगल हो गया आपको मालूम होगा, एक और हो गया आपका वेब क्रॉलर जो था, ये जो दोस्तों वेब क्रॉलर था ये वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन था, विश्व का पहला सर्च इंजन था आपका वेब क्रॉलर, ठीक है। अगला है kumamu.com, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसे 26 जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और ये भारत का अपना नया सर्च इंजन है। चलिए अगला है याहू सर्च इंजन, बायडू, बिंग सर्च इंजन, यांडेक्स, अल्टा विस्टा, आस्क और AOL। अगला है दोस्तों डक डक गो, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों डक डक गो, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा MSN भी काफ़ी पूछा जाता है, MSN सर्च इंजन, डायरेक्ट हिट, रेडिप सर्च इंजन, इंडियन वेबसाइट 123india.com, इसके अलावा guruji.com, ये जो था ये इंडिया का पहला सर्च इंजन था guruji.com। अगला है 123 खोज, इसके अलावा है विल्सर, इसके अलावा है जस्ट डायल सर्च इंजन, ठीक है। तो ये होगा सर्च इंजन। चलिए अब हम वेब ब्राउज़र कर लेते हैं दोस्तों। वेब ब्राउज़र की यदि बात करें तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ता है। क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र, ठीक है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ता है। इंटरनेट पर www का प्रयोग इसी के माध्यम से किया जाता है। यह www पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर HTTP पर कार्य करता है। तो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपका किस पर कार्य करता है, HTTP पर। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना क्या कहलाता है, तो इसे ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं।
कुछ वेब ब्राउज़र यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका गूगल का क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताइए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये किस कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट का एज। अगला है नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला का फायरफॉक्स, मोजाइक। मोजाइक जो था ये पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था। अगला है ओपेरा, ओपेरा तो सबको मालूम होगा, ठीक है। अगला है एप्पल्स का सफारी। आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो सफारी है ये किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है, तो ये एप्पल्स का है, ठीक है। चलिए अगला है कॉन्करर, दूसरा है लिंक्स, अगला है नेक्सस, अगला है अमेजोन सिल्क। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे वेब ब्राउज़र कंप्लीट होते हैं। अगर कोई रह जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। चलिए अब दोस्तों हम अपने जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जब जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसमें जो पहला प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्रामर किया था, तो वो प्रोग्रामर कौन थे? तो वो थे ऑगस्टा। कौन थे? ऑगस्टा। चलिए अगला है प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, या प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं यानी डाटा और निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था, वह कौन सा था? यानी कि जो सबसे पहले स्टोरेज जो डिवाइस बनाई गई थी वो क्या थी आखिरकार, है ना? वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर था, ठीक है। तो प्रथम स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट या प्रथम कंप्यूटर जो कि डाटा को स्टोर कर सके वो क्या था? तो वो था एडसेक। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको फुल फॉर्म में। तो एडसेक क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी कि जिसे व्यवसाय के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। तो वो था आपका यूनिवेक 1। इसका नाम देखिए क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। चलिए और दोस्तों ये जो है आपका पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसे फौज और सेना के लिए बनाया गया था। चलिए अगला है ऑटोमेटेड वीविंग लूम, जो स्वचालित बुनाई मशीन थी, इसका निर्माण किसने किया था? तो आपका जो ऑटोमेटेड वीविंग लूम यानी कि स्वचालित जो बुनाई मशीन है, इसका जो निर्माण था दोस्तों ये जोसेफ मेरी जकवाड ने किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले पंचकर्ड का यूज़ किया था। किसका? पंचकर्ड का यूज़। और पंचकार्ड किसने बनाया था? तो पंचकार्ड बनाया जो था वो बनाया था हरमन हॉलर्थ ने। किसने? हरमन हॉलर्थ ने, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट 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 वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था वह कौन सा था? यानी कि पहला संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम जो था वो स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से स्टोरेज था वह कौन सा था? तो वो था दोस्तों आपका एनियक। और एनियक को ही हम पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर, ठीक है। दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। चलिए वैसे कैलकुलेटर होता है इसका, ठीक है। अगला है किस मशीन का विकास फौज तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जो आपका यूनिवेक बनता, इसका जो हमने पहले जब कंप्यूटर बनाया था तो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, और इसका जो यूज़ है वो फौज तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया गया था, और ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगला है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता था? तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, देखिए वो अगर पूछे कि उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम या मतलब उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसके लिए क्या यूज़ करते थे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स के आधार पर जो है आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वर्क करते थे। अगर हम पूछ लें कि स्टोरेज के लिए यानी कि जो मेमोरी होती है उसके लिए मतलब कुछ डाटा आपको स्टोर करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, तो उसके लिए हम दोस्तों पंच कार्ड यूज़ करते थे, ठीक है। और पंच कार्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? जोसेफ मेरी ने, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती है तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको 10वें या 11वें पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें डिटेल बताया, बट फोटो वाइज दो दो तीन तीन फोटो दिखा के बताया था कि किस किस पीढ़ी में किस 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 चीज़ का यूज़ होता है और क्या क्या उसमें लगा होता है, ठीक है। चलिए अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, ऑप्शन दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो हैं आपके एनियक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, दूसरा है यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तीसरा है आपका मार्क 1। ये तीनों ही आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चलिए अगला है, अगला दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब आप अगर ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है, ये कितने 15 से 20 क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इसमें देखिए क्या है,
तो प्रत्येक फंक्शन की जो F1 से F12 तक होती है इसका काम क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर पूरी जो मैंने आपको पहले बोला था काफ़ी समय से कि मैं पूरी आपको फंक्शन की कराने वाला हूँ, तो चलिए आज मैं आपको करा ही देता हूँ। ठीक है, तो F1 देखिए, F1 से हम F12 तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम F1 से शुरू करते हैं। तो F1 का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो हेल्प या ऑफिस असिस्टेंट जो है F1 का यूज़ होता है। चलिए F2 से क्या होता है दोस्तों, तो F2 से आपका जो है कोई भी फाइल है आपको रीनेम करना है, तो वो आप इजीली ये अब F2 दबाएंगे तो वो रीनेम हो जाएगी। या फिर दूसरा होता है एडिट द एक्टिव सेल इन MS Excel। अगर आप MS Excel में काम कर रहे हैं, आप किसी जो सेल होती है उस पर काम कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो आप माउस से 2 बार क्लिक करते हैं, बट अगर आप ओनली F2 दबाएंगे तो यहाँ पर एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो यूज़ होते हैं, पहला तो रीनेम करना, दूसरा एडिट द एक्टिव सेल इन MS Excel। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों F3। F3 का क्या होता है दोस्तों, तो ओपन सर्च बॉक्स इन विंडो, जो आपकी विंडो होती है उसमें सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है F3 से। ठीक है, चलिए अगला है F4। F4 से क्या होता है दोस्तों, तो प्लेस द कर्सर इन द एड्रेस बार इन एक्सप्लोरर। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं या कोई भी विंडोज़ एक्सप्लोरर चलाते हैं, तो उसमें आपका जो कर्सर है अगर कहीं पे भी है तो जो आपका ऊपर सर्च बार होता है जिसमें आप सर्च करते हैं www, यहाँ पर वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो F4 से क्या होता है, प्लेस द कर्सर इन द एड्रेस बार इन एक्सप्लोरर। ठीक है, और अगर आप इसे अल्ट के साथ दबाते हैं, अल्ट प्लस F4, तो इससे आपका जो है कंप्यूटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका यूज़ है। चलिए अगला है F5 से क्या होता है, तो F5 से सबको मालूम है रिफ्रेश या रीलोड होता है। ठीक है, तो आपकी विंडो रिफ्रेश हो जाती है या आप किसी वेब पेज पर है तो वो फिर से रीलोड हो जाता है। इसका दूसरा यूज़ भी है दोस्तों, अगर आप इसे पावर पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं तो इससे स्लाइड्स ओपन हो जाता है F5 को दबाने से। मान के चलिए आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपने F5 बटन दबाया तो आपकी जो स्लाइड्स वो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला इसका यूज़ होता है दोस्तों कि अगर आप ओपन फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो अगर आप F5 दबाएंगे तो आपका ओपन एंड फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, किसमें, MS वर्ड में। चलिए फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। चलिए अगला है F6 से क्या होता है, तो दोस्तों F6 जो है आपका, इसका जो यूज़ होता है वो होता है जंप टू URL या एड्रेस बार इन ब्राउज़र। मान के चलिए आप गूगल क्रोम में कार्य कर रहे हैं और आपको यहाँ पर जो आपकी सर्च बार होती है उसमें डायरेक्ट जाना है, तो आप F6 दबा देंगे तो आप जंप द URL या एड्रेस बार में चले जाएंगे। चलिए अगला है F7 से क्या होता है, तो दोस्तों F7 से आपका जो है स्पेल चेक होता है, कहीं स्पेलिंग में आपके मिस्टेक तो नहीं है। चलिए अगला है दोस्तों F8 से क्या होता है, तो F8 से दोस्तों आपका सेफ मोड इन स्टार्टिंग कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक विंडो आती है जिसमें आपको F1 दबा के कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है, तो अगर आप F8 दबाएंगे तो वहाँ से सेफ मोड ओपन हो जाएगा और कंप्यूटर बूट होने लग जाएगा। ठीक है, या फिर बूट मेन्यू आपको लिखा आएगा या फिर सेफ जो है मोड आपको लिखा आएगा स्टार्टिंग, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय। दूसरा इसका जो यूज़ होता है दोस्तों F8 का, वो होता है MS वर्ड में ऑटो सेलेक्ट। अगर आप एक बार F8 दबा देंगे MS वर्ड में, तो अगर आप कुछ भी की दबाएंगे उसके अलावा, उसके बाद मतलब कोई भी अगर बटन दबाएंगे तो वो सेलेक्ट 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 होता चले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों F9 से क्या होता है, तो F9 से आपका जो है दोस्तों रिमूव सेलेक्ट आइटम, जो भी आपने आइटम सेलेक्ट कर रखा है वो रिमूव हो जाता है। अगला है F10 से क्या होता है, तो F10 से देखिए F10 आप वैसे यूज़ नहीं होता, अगर आप शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे ना, Shift+F10, तो क्या होगा दोस्तों, आपका शिफ्ट के साथ दबाने पर ये राइट क्लिक का काम करता है, जो आपका माउस होता है दोस्तों इस तरीके का, तो आपका ये वाला बटन होता है ना, ये राइट होता है, तो ये राइट क्लिक अगर आपको माउस से नहीं दबाना है तो आप डायरेक्ट Shift+F10 दबाएंगे तो ये राइट क्लिक का काम करने लगता है आपका F10 बटन। ठीक है, इसके अलावा ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है शिफ्ट के साथ F10 दबाने से। ठीक है, चलिए अगला है F11 से क्या होता है, तो दोस्तों आपका फुल स्क्रीन हो जाता है, जैसे आप कोई यूट्यूब देख रहे हैं, अगर आपको F11 दबाएंगे तो फुल स्क्रीन चले जाएगा। ठीक है, या कोई आप ब्राउज़र गूगल क्रोम खोले हुए हैं वहाँ पर F11 दबाते हैं तो वो फुल स्क्रीन में आ जाता है। F12 का तो यूज़ मैंने बताया था, इससे होता है आपका सेव एज। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सभी आपको जो फंक्शन की होती है वो बता दिए, तो आपको अच्छे से याद करके जाना है, आपको काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है CPU में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में क्या होती है, तो दोस्तों CPU में जो उपस्थित आंतरिक मेमोरी है ये वास्तव में रजिस्टर्स का समूह होती है। क्या होती है, रजिस्टर्स का समूह। चलिए अगला है डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आजकल जो घड़ियाँ आ रही हैं डिजिटल घड़ियाँ आपने देखी होंगी, स्मार्ट वॉच बोलते हैं उनको, तो जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं यानी कि जो आपकी वो होती है ना जो डिजिटल, आज तो स्मार्ट वॉच आ रही हैं, पहले वो आती थी ना जिसमें मतलब इस तरीके से टाइम चल रहा है 1:12, इस तरीके से ये
थोड़ा बंद चालू होता था है ना, वो वाली। तो डिजिटल घड़ियों में किस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग होता था? तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग होता था। चलिए अगला है, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर किस व्यक्ति ने बनाया था? पोर्टेबल कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है हम उसे ही बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाने वाला। तो पहला पोर्टेबल जो कंप्यूटर है दोस्तों ये बनाया था एडम ऑसबोर्न ने, ठीक है, किसने बनाया था? एडम ऑसबोर्न ने। चलिए अगला है, इंटरनेट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों अगर आप इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉगिन, ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़ने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, रजिस्टर्स किस प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है? तो रजिस्टर्स जो है दोस्तों ये आपके रैम का समूह होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। दोस्तों आपको इसके बाद मैं एमएस ऑफिस करवाने वाला हूँ, ठीक है, एमएस ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड रहेगा, एमएस पावर पॉइंट रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा, फोटो के माध्यम से बताऊंगा कि किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, फिर उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और एनवीएस से जुड़े काफ़ी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए और दोस्तों आज शाम को जो है आपको, इससे पहले तो मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल दिया है, सुबह वो नहीं देगा तो वो दिल्ली, तो शाम को आपको जीके का फोर्थ पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, जीके का फोर्थ पार्ट मिल जाएगा जिसमें हमारे 1000 जो क्वेश्चन हमने बोला था वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, उसको देखना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। चलिए अगला है दोस्तों, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर यानी दूसरे स्थान पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण क्या कहलाता है? मान के चलिए आपका कोई कंप्यूटर में डाटा है या मोबाइल में डाटा है, आपने उसे किस में डाल दिया? मेमोरी कार्ड में डाल दिया, या फिर आपने जो है उसे पेन ड्राइव में डाल दिया, ठीक है, पेन ड्राइव में डाल दिया, यहाँ से डाटा उठाया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है, तो ये आपने क्या किया? तो उस चीज़ का बैकअप लिया ना, आपने यहाँ पर भी था वो चीज़, वो वही चीज़ आपने यहाँ ले ली, तो क्या लिया उसने? आपका बैकअप लिया, ठीक है। तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर डाटा को कॉपी करना बैकअप कहलाता है। चलिए अगला है दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? तो दोस्तों अगर आपके कोई कंप्यूटर आप चला रहे हैं और आपका आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कीबोर्ड पर टाइप किया, मतलब कुछ भी टाइप कर, अपना नाम टाइप किया, कुछ भी बैंक अकाउंट डिटेल टाइप किया आपने, तो वो आपकी जो हर एक कीवर्ड को जो है वो चेक कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं की लॉगर वायरस। क्या बोलते हैं? की लॉगर वायरस, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि केवल एक ही यूज़र उसे यूज़ कर सकता है? तो दैट इज़ कौन सा हो जाएगा? चार, तीन ऑप्शन है, विंडोज़ 10 है, डॉस है और मैक है और लिनक्स, चार ऑप्शन है। तो आपका डॉस जो है ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब आपके मल्टी टास्किंग यूज़र, मल्टी ऑपरेटिंग है, ठीक है, मल्टी लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, ये वाला काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, अब जो है उसने www पूछना बंद कर दिया है, अब वो पूछता है www का पूर्ण रूप क्या हुआ, ठीक है, तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए www में लास्ट वाले w का क्या मतलब है, तो क्या होता है? वॉर्म मतलब होता है वॉर्म। और दोस्तों अगर वॉर्म की भी फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपने क्लाउड स्टोरेज आजकल के जो है ज़माने में चल रहा है, आजकल के जो मॉडर्न जो हमारा युग है उसमें आपको क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलेगा, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव अब जो है कम होने लगे हैं, अब क्लाउड स्टोरेज आपको देखने को मिलता हुआ। जैसे कि क्लाउड स्टोरेज का मतलब जो आपकी फाइल है उसे इंटरनेट पर सेव करना है, ऑनलाइन सेव करना है, दैट इज़ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, तो आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव तो फेमस है, ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपके क्लाउड स्टोरेज हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आप मोबाइल में हॉटस्पॉट चलाती होंगे तो उसमें वाईफाई की आवश्यकता होती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि एक्सेल 2019 में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो एक्सेल 2019 में अंतिम जो सेल है इसका एड्रेस XFD 1048576, कितना? 1048576, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको, 1048576 XFD। चलिए अगला है, BGA केबल में कितने पिन होते हैं? तो जो आपका BGA केबल होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे,
इसमें जो आपके पिन होते हैं ये होते हैं आपके 15, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, प्रोटोकॉल्स किसका समूह होता है? तो दोस्तों जो आपका प्रोटोकॉल्स है, ये मैंने बताया था, ये आपका नियमों का सेट्स होता है, यानी कि रूल्स का समूह होता है। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में वर्ड को काउंट करने की शॉर्टकट की क्या है? मान के चलिए मेरा एमएस वर्ड में एक ही पेज टाइप किया, इस पर जो ये मैंने वर्ड लिखे हैं, अगर मुझे काउंट करने हैं कि कितने वर्ड मैं लिख चुका हूँ, तो उसको हम उसकी शॉर्टकट की होती है, तो वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, ठीक है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी दबाएंगे तो आपके एम एस वर्ड में जितने भी वर्ड आपने लिखे हैं वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रख लेना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जी, जी फॉर गणना, इस तरीके से याद रख लेना, गणना यानी काउंट, ठीक है। चलिए अगला है, दो या दो से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? आपको अगर दो या दो से अधिक फाइल सेलेक्ट करनी है, तो एक तो आप माउस से सेलेक्ट करते हैं, दूसरा आप कंट्रोल दबाकर एरो की से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार है ये होता है आपका 16, जिसके अंतर्गत 0 से 9 आता है और आता है ए से एफ। यहाँ हुए आपके 10 लेटर और यहाँ हुए आपके 6 लेटर, टोटल हुए 16, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का कितना होता है? 10 होता है। डेसिमल का, बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है, 0 और 1, और डेसिमल का कितना होता है? 0 से 9, यानी कि 10, ठीक है। चलिए अगला है, लैन के केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो जो लैन का केंद्रीय कंप्यूटर होता है, इसे हम बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। चलिए, और दोस्तों सर्वर जो होता है ये आपका मुख्य कंप्यूटर होता है, ठीक है, मुख्य कंप्यूटर होता है। चलिए अगला है, इंस्ट्रक्शंस के सेट्स को क्या कहते हैं? तो इंस्ट्रक्शंस के सेट्स को जो दोस्तों ये कहते हैं हम प्रोग्राम, ठीक है। नियमों का सेट प्रोटोकॉल, और इंस्ट्रक्शंस का सेट दैट इज प्रोग्राम। चलिए अगला है दोस्तों, विंडोज 10 में इंपॉर्टेंट है, विंडोज 10 में वन ड्राइव क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव था, इसी तरीके से विंडोज 10 में जो वन ड्राइव है, ये एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज। चलिए अगला है, Ctrl+F1 से क्या होता है? तो दोस्तों अगर आप Ctrl+F1, देखिए खाली F1 दबाएंगे तो उससे हेल्प होती है, हेल्प अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। अगर आप कंट्रोल के साथ F1 दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F1, तो उससे देखिए आपको हाइड या डिस्प्ले होने लगे, या तो छुप जाएगा या दिखेगा क्या, रिवन मेन्यू इन एक्सेल या वर्ड में या पावर पॉइंट में, ठीक है, या पावर पॉइंट में भी होगा। सॉरी दोस्तों, MS एक्सेल में या MS वर्ड या MS पावर पॉइंट जो होता है, इसका जो रिवन मेन्यू होता है ना, रिवन मेन्यू, ये या तो हाइड हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा अगर आप Ctrl+F1 दबाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको रिवन मेन्यू क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि रिवन मेन्यू किसे बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, ये हमारा जो है MS जो है हमारा वर्ड है, इसमें देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये जो फाइल है, फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू और व्यू, यहाँ पर जी आपका पावर पॉइंट खुला, सॉरी क्योंकि डिज़ाइन है ना इसमें, तो पावर पॉइंट खुला। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं हम क्या, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं रिबन, ठीक है, रिबन बोलते हैं इस वाले को। चलिए और दिखा देता हूँ मैं आपको, और रिबन में देखिए यहाँ से मैं एक और चीज़, एक मिनट, देखिए ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको दोस्तों, इतना सब कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल एमएस ऑफिस में, बिल्कुल MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को खोल के रख दूंगा, ठीक है। देखिए ये है आपका, देखिए रिबन, ये आपको रेड कलर से जो दिख रहा है ना, रेड कलर वाला जो एरिया है जी वाला, ये वाला होता है रिबन, ठीक है। अगर आप जो है Ctrl+F1 दबाओगे, क्या Ctrl+F1 यहाँ दिखा देता हूँ मैं, Ctrl+F1 अगर आप दबाएंगे, तो ये वाला सेक्शन है ना, ये अभी जो नीचे खुल के आ रहा है जी, ये गायब हो जाएगा, ठीक है, ये तो रहेगा यहीं, ये तो यहीं रहेगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और फिर से आप अगर दबाएंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला सेक्शन, ये वाला इतना ठीक गायब हो जाएगा, अगर फिर से आप दबाएंगे तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिबन, Ctrl+F1 से ये हाइड और डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसको, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, Alt+Ctrl+F2 से क्या होता है? तो दोस्तों Alt+Ctrl+F2 से आपका ओपन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इन MS ऑफिस, अगर आप MS ऑफिस MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपका ओपन डॉक्यूमेंट की जो लाइब्रेरी होती है आपके कंप्यूटर में, वो ओपन हो जाती है अगर आप Alt+Ctrl+F2 दबाते हैं, क्या Alt+Ctrl+F2। चलिए अगला है, Ctrl+F2 से क्या होता है? तो दोस्तों Ctrl+F2 से, अभी मैंने ऊपर भी बताया था जब आपको शॉर्टकट की पढ़ाया था, तो उससे होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा, ये चेक करना, ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। Ctrl+F2 इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, चाहे आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, या वर्ड में, ठीक है। चलिए
अगला है दोस्तों, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बैंकिंग लेन देन में ECS का जो अर्थ है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलिए अगला है दोस्तों, I7, सेलेरॉन, ड्यूल कोर आदि किसके उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो I7 हो गया, सेलेरॉन हो गया, ड्यूल कोर हो गया, आपने सुने भी होंगे I7 प्रोसेसर आ रहा है आजकल कंप्यूटरों में, तो क्या होते हैं प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, ठीक है, CPU होते हैं प्रोसेसर, ठीक है, I7, सेलेरॉन, ड्यूल कोर। चलिए अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो भारत का पहला कंप्यूटर है ये स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था आपका पहला कंप्यूटर, ठीक है। अगला है, फाइल एक्सटेंशन .abi किससे संबंधित है? तो इससे पहले मैंने वो ऊपर आपको इसका शॉर्टकट बताया, वो फुल फॉर्म बताया था, दैट इज ऑडियो वीडियो इंटरलीव, तो जो दोस्तों आपका फाइल एक्सटेंशन है ये वीडियो से संबंधित है। चलिए अगला है दोस्तों, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड, जो आपके मोबाइल फ़ोन चलते हैं ये एंड्रॉयड पर काम करते हैं, तो इसका विकास किसने किया था? सन 2003 में ये किया था एंड्रॉयड इंक ने, एंड्रॉयड इंक ने, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, एंड्रॉयड क्या है? तो अभी मैंने बताया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। चलिए अगला है दोस्तों, स्प्रेडशीट्स में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो दोस्तों आपकी जो स्प्रेडशीट होती है यानी कि जो MS Excel होता है, MS Excel किससे बना होता है? तो ये स्प्रेडशीट से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्प्रेडशीट्स में जो डाटा है ये रोज एंड कॉलम जो होता है, किसमें रोज एंड कॉलम इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, ये आपकी रोज होती हैं इस तरीके से और इस तरीके से कॉलम होते हैं, ठीक है, थीके? तो इस तरीके से आपका होता है क्या, स्प्रेडशीट में डाटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। वहीं अगर हम बात करें कि MS Excel में आपको डिफॉल्ट स्प्रेडशीट कितनी मिलती है, तो 3 मिलती है, और अगर आप एक स्प्रेडशीट को नाम देना चाहें तो कितना बड़ा दे सकते हैं, 31 लेटर तक आप दे सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, MS Excel में चार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो दोस्तों यहाँ से होता है आपका खेल शुरू। देखिए आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, आजकल जो पैटर्न बन गया है वो इस तरीके का बन गया है कि बताइए आपको MS Excel में जाना है और चार्ट बनाना है, जाके MS Excel ओपन करेंगे और उसमें जाके आपको जो है दोस्तों चार्ट बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाओगे दोस्तों, ठीक है, आपसे पूछेगा वो कि बताइए MS Excel में जाके आप चार्ट कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ओपन करेंगे किसको, MS Excel को, आपको चार ऑप्शन देगा इस तरीके से वो, ठीक है, इस तरीके से मतलब एरो कर करके कि जाइए आप पहुंच के दिखाइए वहाँ कैसे पहुंचोगे, तो आपका सही आंसर होगा सबसे पहले आप ओपन करोगे MS Excel को, वहाँ पर आपको इंसर्ट टैब दिखेगा, अभी मैंने आपको रिबन बताया था ना, रिबन सबसे पहला होता है आपका होम, दूसरा होता है आपका इंसर्ट, तो यहाँ आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और फिर इंसर्ट से आप खोलेंगे तो उसके अंतर्गत एक और आपका पेज खुलेगा, तो वहाँ पर आपको जो है चार्ट देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों देखिए आपको दिख रहा होगा ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपको रिबन बताया था मैंने, रिबन होता है पूरा, यहाँ पर पहले होम है, दूसरा है इंसर्ट, इंसर्ट में आप जाएंगे तो देखिए आपको आपको चार्ट का सेक्शन दिख जाएगा चार्ट, ठीक है, तो इंसर्ट वाले में चार्ट में जाकर आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ से ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये टेबल्स है आपकी, ये टेक्स्ट वाला है, हेडर फुटर जिसमें मिलते हैं, ये हाइपर लिंक्स है आपके, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको MS Excel पढ़ाऊंगा कि किस किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें करते हैं MS Excel में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन है इसे हम बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। चलिए अगला है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए आप लोग एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप जो है क्लिप बोर्ड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्लिप बोर्ड में जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्लिप बोर्ड लिखा है, क्लिप बोर्ड वाले सेक्शन में कट है, ये कॉपी है, ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखता है, इसे हम एडिट मेन्यू में जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है तो एडिट मेन्यू करके पूछा जाता है, क्या एडिट मेन्यू करके पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रयोक्ता यानी कि जो हम हैं, हम लोग जो हमने फाइल को नाम देते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फाइल नेम, ठीक है। चलिए अगला है, MS Word में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखता है? तो MS Word जो है, मान के चलिए यहाँ पर मैंने कोई नाम लिखा, जैसे लिखा NVS, तो इसके नीचे एक लाल ऐसे ऐसे करके लाइन आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो रेड कलर की अगर वो आ रही कौन से, रेड कलर की, ध्यान रखना रेड कलर की, तो उसे क्या क्या दर्शाता है वो, तो वो दर्शाता है कि आपकी जो स्पेलिंग लिखी हुई है
वो गलत लिखी हुई यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक है। किस तरीके से दिखाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्पेलिंग मिसकेट कर दिया मैंने, मैंने मिस्टेक की जगह क्या लिखा था, मिसकेट। तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, देखिए ये देखिए आपको नीचे लाइन रेड लाइन दिख रही होगी, देखिए ये वाली रेड लाइन दिख रही है ऐसे ऐसे कर कर, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मिस्टेक। मैंने आपको समझाने के लिए देखिए जो मैं टाइप कर रहा था मैंने उसी में मिस्टेक करके आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों टैबलेट, दोस्तों अगला प्रश्न है कि टैबलेट या पीसी की स्क्रीन पर लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों स्टाइलस का प्रयोग होता है। दोस्तों जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर देखिए लिख रहा हूँ मैं कुछ, है ना, जैसे टैबलेट या पीसी के स्क्रीन पर लिखने के लिए क्या प्रयोग होता है, स्टाइलस। तो मैंने लिख के बताया आपको, तो मैं अभी स्टाइलस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाइलस क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का पेन होता है, क्या होता है, पेन। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब अगर आप देखते हैं तो कोई जो टीचर है वो स्मार्ट बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो उनके हाथ में एक पेन होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्टाइलस, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसा ही मैं आपको मॉडल कराने वाला हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आपको। वैसे मैं फोटो दिखा चुका हूँ दो तीन बार और थोड़ी डिटेल में भी बता दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है आपसे पूछेगा। वैसा ही मॉडल में डाटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहाँ होता है, तो वैसा ही मॉडल में जो डाटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है ये प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, जो कि हमारी सिक्स नंबर की लेयर है। कौन से, सिक्स नंबर की लेयर है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये है हमारी कौन सी, ये हमारी जो पूरी है OSI का मॉडल है, इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, ठीक है। ये हमारा जो है IP एड्रेस का होता है, तो ये नेटवर्क लेयर में होता है, तीसरे नंबर की लेयर, ठीक है, नेटवर्क एड्रेसिंग। और हमारा प्रेजेंटेशन जो लेयर होता है ये छठवें नंबर की है, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोडिंग इन टू वन एंड क्यूज, है ना, कंप्रेशन, ये सब मिलता है। इसके सबसे ऊपरी होती है एप्लीकेशन और सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों ISP का पूर्ण रूप जो है ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है एप्पल क्या है, तो दोस्तों एप्पल जो है आपका एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड से मैंने एक क्वेश्चन बना के दिया है कि किस तरीके से आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है यदि वहाँ पर आ जाता है तो, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बाइनरी कोड्स में आप जो संख्या 7 है इसे कैसे लिखेंगे, तो 0 1 में आप इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपसे कोई भी पूछ ले, मान के चलिए आपसे पूछ लिया कि बताइए 15 नंबर को आप बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी 0 और 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना इधर से, लेफ्ट से, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे क्या, और डबल करते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे डबल करते जाएंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या हुआ 16। बट दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है जो हमसे संख्या पूछी गई है और जो यहाँ पर डबल हो रहा है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ा है तो हम नहीं लेंगे, तो 16 क्या है इससे बड़ा हो रहा है तो हम नहीं लेंगे, तो हम कहाँ तक लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 8 तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको मिलाकर 15 जो नंबर है इसको बनाना है। 15 कैसे होगा, तो हम गिनेंगे, देखिए 8 हो गया, 8 4 12, 12 13 14 15, तो यानी कि सभी से मिलकर हमारा क्या बनना है, 15 बनना है। तो 15 सभी से मिलकर बनना है, तो हम इसके नीचे एक एक लिख देंगे, यानी कि सभी का यूज़ हो रहा है, तो हमारा हो गया क्या, इसका जो बाइनरी कोड आ गया हमारा ये आ गया 1111, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं 7 का कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे, यानी ठीक है। मैंने बताया था 1 से स्टार्ट करना है और डबल करते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल हुआ 8, पर 8 लिखेंगे क्या, 8 नहीं लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया ना, मतलब जो संख्या पूछी उससे बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा लिख सकते हैं, तो ये तो बड़ी हो जाएगी तो इसको नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 को बनाएंगे, तो 7 किस किस से मिलकर बनेगा, 4 से मिलकर बनेगा, 2 से मिलकर बनेगा, 1 से, 4 5 6 और 7, तो सबके नीचे 1 1 1 हम लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इससे 7 हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 111, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। चलिए मैं आपको एक और देता हूँ, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 25 बनाकर देखते हैं, ठीक है, 25 कैसे बनेगा। चलिए तो हमने स्टार्ट करी 1 से, 1 2 4 8 16, 16 का डबल क्या होता है 32, तो 32 हम नहीं लेंगे क्योंकि 32 जो है 25 से बड़ा हो जाएगा, हमेशा उससे छोटी संख्या लेनी है, ठीक है, या उसके बराबर। चलिए तो हम देखते हैं इसका इसका बाइनरी कोड कैसे निकालेंगे, तो हम जोड़ेंगे, तो 16 तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 16 लेंगे, इसका तो यूज़ होगा, यानी यूज़ वाले के नीचे 1 लिखेंगे और जो यूज़ में नहीं है उसके नीचे 0, तो 16 16 और 8 तो कितने होते हैं 24 होते हैं, ठीक है, तो इसको यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, 24 हो गए। अब हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, 24 के बाद 25, तो इसको लेंगे, तो जिसका हमने यूज़ किया उसके नीचे लिखेंगे 111 और जिसका यूज़ नहीं किया उसके नीचे लिखेंगे 00, तो इसका हमारा बाइनरी कोड होगा 11001,
तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि बाइनरी कोड को कैसे चेंज करते हैं बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो आपको इससे इसमें कन्वर्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि इससे आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, बाकी फिर शाम को आपको जो है पार्ट 4 मिल जाएगा आपका कंप्यूटर, जो आपकी जीके की सीरीज चली है उसका, तो उसको देखना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो चलो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।